नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत में प्रथम सत्र का लास्ट लेसन सीखेंगे। लेसन का नाम है आम्लम द्राक्षा फलम। लेसन नंबर 9 आम्लम द्राक्षा फलम। इस पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सियार है, उसको बहुत भूख और प्यास लगी है। वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वहाँ वो ऊपर नीचे देखता है, वो दाएं बाएं जाता है, आगे पीछे जाता है, इस तरह खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा है। वो थक जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। और फिर एक जगह पर उसने एक अंगूर की वेल देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। वो अंगूर तक पहुंचने के लिए जंप करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार वो जंप करता है, लेकिन उसको अंगूर मिलने नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे थे। सियार की बहुत कोशिश के बावजूद भी वो अंगूर तक पहुंच नहीं पाता। तब वो बोलता है, यह अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, और वहां से चला जाता है। तो इस तरह इस पाठ के जरिए यहाँ ह्यूमन नेचर दिखाया गया है। जैसे कि जो चीज़ हमें चाहिए वो जब नहीं मिलती तब हम उसका नेगेटिव पॉइंट देखने लगते हैं। इसी तरह सियार को भी जब अंगूर ना मिले तो वो कहता है अंगूर खट्टे हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं पाठ को लाइन टू लाइन। लेसन नंबर 9 द ग्रेप्स आर सॉर। एकः श्रृगालः, एकः श्रृगालः वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। श्रृगालः यानी सियार, फॉक्स, वनम यानी जंगल, सह मीन्स ही। एक सियार है, वो जंगल में जाता है। पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, सह वनम गच्छति। पिपासा यानी प्यासा, थर्स्टी, तस्य मीन्स टू हिम, बुभुक्षा यानी भूखा, हंग्री, वो भूखा प्यासा वन में जाता है। नाउ इन इंग्लिश, देयर इज अ फॉक्स, द फॉक्स गोज टू द फॉरेस्ट, ही इज थर्स्टी एंड हंग्री, ही गोज टू द फॉरेस्ट बिकॉज ही इज हंग्री एंड थर्स्टी, ही गोज टू द फॉरेस्ट। किम च करोति सह, किम च करोति, किम यानी क्या, करोति यानी करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति। वामतः मीन्स लेफ्ट साइड, पश्यति यानी देखना, दक्षिणतः मीन्स राइट साइड, वो दाई तरफ बाई तरफ देखता है। अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। अग्रतः यानी आगे, पृष्ठतः यानी पीछे, वो आगे देखता है, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, तृषा जायते। स्वेदः यानी पसीना, स्वेट, तृषा यानी प्यासा, उसको बहुत पसीना होता है और उसको बहुत प्यास लगी है। नाउ अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, एंड व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। ही लुक्स at left, he looks at right, he looks before, he looks behind, he sweats, he gets thirsty. Itah gacchati kimapi na labhate. Itah yani idhar, kimapi yani kuch bhi, anything, labhate yani nahi mila. Wo idhar gaya par use kuch bhi nahi mila. Tatah gacchati किमपि न लभते। ततः यानी उधर, वो उधर गया पर उसे कुछ मिला नहीं। श्रांतः जायते, खिन्नः जायते। श्रांतः जायते यानी थक जाना, खिन्नः जायते यानी दुखी होना, वो थक जाता है, दुखी हो जाता है। अब देखते हैं इंग्लिश में। ही गोज हियर, ही डज नॉट गेट एनीथिंग। ही गोज देयर,
He does not get anything. He gets tired. He becomes sad. Kim cha pasyati sah? Kim cha pasyati? Kim yani kya? Pasyati yani dekhna. Usne kya dekha? Usne kya dekha? Pasyati draksha latam sah pasyati draksha phalam. Draksha latam yani angur ki vel. उसने एक अंगूर की वेल देखी और उस पर अंगूर के गुच्छे देखे। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च ततः फलम्। ऊपर की लता पर उसने फल देखा। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। एंड व्हाट डज ही सी? व्हाट डज ही सी? ही सीज अ क्रीपर ऑफ ग्रेप्स। ही सीज ग्रेप्स। ही सीज फ्रूट्स on and on creepers. Anukshanam tanmukhe rasah jayate. Anukshanam yani usi samay par, means at that time. Tanmukhe yani uske muh se, in his mouth. Angur ko dekhkar usi samay uske muh mein pani aa gaya. Kimcha karoti sah kimcha karoti. Wo kya karta hai? Wo kya karta hai? एकवारम उत्पतति द्विवारम उत्पतति त्रिवारम उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति। उत्पतति यानी कूदना, पुनः पुनः यानी बार बार। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बार बार कूदने लगा। स्वेदः जायते श्रमः जायते लभते न द्राक्षा फलम्। उसने बहुत पसीना बहाया, थक गया, पर उसको अंगूर मिली नहीं। Now understand in English. The next moment his mouth waters. And what does he do? What does he do? He jumps once, twice, thrice. He jumps again and again. He sweats. He gets tired. He does not get grapes. Kim cha kathayati saha? Kim cha kathayati? उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? आम्लम द्राक्षा फलम इत्येवम कथयति पलायते। इत्येवम कथयति पलायते। आम्लम यानी खट्टी, इत्येवम कथयति यानी ऐसा बोलकर, पलायते यानी भाग जाना, चले जाना। अंगूर खट्टे हैं ऐसा बोलकर वो वहां से भाग जाता है। नाउ इन इंग्लिश। एंड व्हाट डज ही से? व्हाट डज ही से? He says, the grapes are sour, and he runs away. He says, in this way, and runs away. Now, grammar of this lesson. First, hard words. Srugalah, fox. Vanam, in the forest. Pipasa, thirst. Bubuksa, hunger. Itah, tatah, here and there. Vamatah, at left, on left side. दक्षिणतः एट राइट और ऑन राइट साइड। अग्रतः इन फ्रंट। स्वेदः स्वेट। तृषा मीन्स थर्स्ट। उत्पतति जम्प्स। न लभते डज नॉट गेट। द्राक्षालताम अ क्रीपर ऑफ ग्रेप्स। ऊपरी ऑन एंड ऑन। तन्मुखे इन हिज माउथ। अनुक्षणम the next moment. Draksafalam, grapes. Punaha punaha, again and again. Ityevam, in this way. Now opposite words. Vamataha, dakshinataha. Itaha, tataha. Gachati, agachati. Agrataha, prusthataha. Now sandhi. Iti plus evam is ityevam. किम प्लस अपि इस किम अपि। तत प्लस मुखे इस तन मुखे। Translation of this lesson in English.